प्लीज़ ये सब बातें आप अफवाहें मत फैलाइए। उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी जो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। वेलकम टू पहाड़ी कॉर्नर। तो कैसे हो दोस्तों? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। यस राइट। एंड गाइज आई नो हम बहुत ही टाइम के बाद वापस वीडियो बना रहे हैं। ऑलमोस्ट कितने महीने हो गए हमें? 3 to 4 months। नहीं, ऑलमोस्ट 5 months आई गेस, बिकॉज नवंबर लास्ट, मतलब दिवाली में हमने लास्ट वीडियो बनाई थी एंड उसके बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं। और इसमें विवेक के एक दो शॉट भी आए होंगे। हाँ, और एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा भी था कि क्यों हम वीडियोस नहीं बना रहे हैं, क्या हो गया, बंद कर दिया क्या हमने यूट्यूब चैनल, क्या हमें इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारे सवाल हमें पूछे गए थे। बट उसके लिए रीज़न है और आज वही रीज़न हम आपको बताने आए हैं कि हम क्यों वीडियोज़ नहीं बना रहे थे। एंड होपफुली इस वीडियो के बाद हम अपनी वीडियोस कंटिन्यू करेंगे वापस। एंड एटलीस्ट वीक में 2 वीडियो तो हम डालेंगे होपफुली, अगर सब ठीक रहा, सब अच्छा रहा, मूड अच्छा रहा तो ज़रूर बनाएंगे। स्पेशली इसका मूड। हाँ, स्पेशली मेरा मूड, मेरे मूड पे, क्योंकि मैं बोलूँगी ना वीडियो बनानी है तो वीडियो बनेगी, मैं बोलूँगी वीडियो नहीं बनानी है तो वीडियो नहीं बनेगी, क्योंकि ये कुछ करते नहीं है। और विवेक तो चला गया वापस हिमाचल। कैमरा सेटअप मैं ही करता हूँ, कैमरा लाइट सब मेरा सेटिंग है। लाइट जलानी है इनका सेटअप। सो गाइस आज हम आए हैं आपको एक रीज़न बताने, बट वो रीज़न नहीं है एक तरह से, इट्स अ गुड न्यूज़। एंड बहुत सारे लोगों को, मेरे जो आसपास खास लोग हैं उनको तो पता ही है ये, एंड बट जिन्हें नहीं पता है उन्हें आज मैं बताना चाहूँगी दैट वी आर प्रेग्नेंट। नया मेंबर आने वाला है। So, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि हमें बहुत लोग कहते थे भाई तुम्हारी शादी को इतना लंबा समय हो गया है, लाइक 7 years हो गए हमारी शादी को दिसंबर में। जिसने अभी भी रिसेंटली शादी की उनके बच्चे हो गए, मेरे जो अच्छे अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके बच्चे, उन सभी के बच्चे हो गए। हम रह गए। सबसे पहले शादी की थी हमने, सबसे पहले। हाँ, 7 years ऑब्वियसली सबसे पहले शादी की थी। इन लोग की तो अभी 2-3 साल हुए और बच्चे भी आ गए। वही गुड न्यूज़ है जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे, और इसी वजह से हम वीडियोस नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि फर्स्ट 3 months जो था मेरा, इट वाज थोड़ा सा टायर्ड, लेजीनेस एंड बहुत, मतलब मुझे कुछ मन ही नहीं करता था, बीमार। फर्स्ट 3 months नहीं, अभी भी सेम ही है। नहीं, अभी इतना नहीं है, बट फर्स्ट 3 to 4 months पकड़ लो, 4 months तक मेरा ऐसा ही था कि मन नहीं कर रहा, मूड नहीं कर रहा, आई एम टायर्ड, आई एम लेजी एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो उन सब चीज़ों की वजह से मेरा मन ही नहीं था शूट करने का, बट मेरा मन तो नहीं था, बट किसी और ने भी, और का भी मन हमें टाइम ही नहीं था। नहीं प्लीज़, हाँ ये लोग के पास टाइम भी होता, विवेक था, ये थे, दोनों के पास टाइम था, टाइम उन्होंने वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि प्रियंका के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ये तो आप लोग को पता ही है ना। सो इसीलिए बहुत हिम्मत करके, और बोलते हैं ना कि हमने कोशिश करा कि नहीं हमें वीडियो बनानी चाहिए, हमें अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहिए कि क्यों हमने वीडियोस बना रहे हैं। सो इसीलिए आज हमने ये अपना गुड न्यूज़ आपसे शेयर किया है। रिवील हो गई है सीक्रेट हमारी। सीक्रेट तो बहुत, मतलब कुछ महीने बाद ही रिवील हो जाती है जब दिखती है बॉडी, बट मैं एक्चुअली फोटोज भी नहीं इतने पोस्ट कर रही थी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे इसी वजह से, बट अभी हम करेंगे कंटिन्यू। हाँ, इसी वजह से कि मुझे शूट करना है, मुझे वीडियो बनानी है, बट अब ये वीडियो बना के ना मुझे से शांति मिल रही है, आई एम फीलिंग वेरी गुड कि मैंने ये वीडियो बना, मतलब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोग से शेयर कर रही हूँ। हमारे जो रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोगों को पता है कि 7 years हमारी शादी को हो गए हैं एंड हम कोई प्लानिंग ही नहीं कर रहे, बेबी प्लानिंग ही नहीं कर रहे, सोचा ही नहीं था। एक्चुअली हम सोच ही नहीं रहे थे इन सब चीज़ों के बारे में इतना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही थी हमारी लाइफ में एंड उसी चीज़ की वजह से हम नहीं चाहते थे कि हमारे बेबी, मतलब एक प्रेशर हम पे भी आए और हम बेबी पे भी, मतलब हम अच्छे से ध्यान ना दे पाए, कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाए, इसलिए हमने इतना लंबा टाइम लिया। बट 2020 में हम प्लान करने वाले थे, बट 2020 तो आपको पता है कि क्या कैसे गया है सबका, सो कोरोना काल, इस वजह से हम तो डर गए थे एक तरह से कि नहीं नहीं लेट्स होल्ड एंड ऑल। तो हॉस्पिटल में पहले से फुल था बुकिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी तभी भी। हाँ, मतलब ऑब्वियसली जॉब नहीं, कुछ नहीं, सबकी हालत ख़राब हो गई थी, तो बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशंस हमारी लाइफ में आए हैं, इसलिए हमने और डिले करके फिर फाइनली
वी वर लाइक कि चलो अब इससे ज़्यादा लेट नहीं करते हैं क्योंकि हम दोनों बुड्ढे हो जाएंगे नहीं तो. इसीलिए हमने फिर प्लान कर दिया और उन सबको भी बता दिया कि भाई हम में कोई खोट नहीं है, हम में कोई कमी नहीं है, तो प्लीज़ ये सब बातें आप अफवाहें मत फैलाइए. उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी जो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, ऐसी कोई कमी नहीं थी हमारे में, ऐसा कुछ भी नहीं था. सो एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ वेल, और मेरा बेबी, हमारा बेबी बहुत ही अच्छा तंदुरुस्त है, बहुत ही बढ़िया है, और उछल कूद करते हुए आएगा. या आएगी, ठीक है. सो गाइज, यही चीज़ थी आज हमें आपसे शेयर करनी थी. एंड हम ये वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबा करते क्योंकि ये सिर्फ एक बातचीत वाली वीडियो है. वी शुड नॉट एक्सटेंड द वीडियो लाइक दिस क्योंकि अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे भी हमें आगे भी बनाएंगे, कुछ ना कुछ सोचेंगे व्हाट वी कैन डू. एंड वैसे आप लोग भी हमें आइडिया दे दिया करो कि हम क्या बनाएं, क्या बनाएं. एग्जैक्टली, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कुछ ऐसी फ़न वीडियोज़ हो जो आप चाहते हो कि इस प्रेगनेंसी के दौरान मैं शूट करूँ, तो प्लीज़ बताइए. या फिर ऐसे कोई चैलेंजेस हो या ऐसी कोई चीज़ें हो जो हम पॉसिबली होने वाली माँ भी कर सके. एग्जैक्टली, जो पॉसिबली कर सके तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए. और बाद में तो एक मेंबर और बढ़ी जाएगा. हाँ, फैमिली में फिर शायद हमारा ये पहाड़ी कॉर्नर ना बेबी कॉर्नर हो जाएगा. सो होपफुली सब अच्छा हो. आप प्लीज़ हमें दुआओं में याद रखना और दुआ करना सब अच्छे से हो जाए. एंड गाइज, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. यस, एंड कमेंट जरूर करना. एंड अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा.